हाँ तो मैं बोल रहा था कि ज्यादातर जो शेयर्स होते हैं, अभी आप वही चीज फिर से प्रॉब्लम आप लोग ने अभी पढ़ा ही नहीं है। हर एक जो सोर्सेज है उनको डिटेल में पहले पढ़ना चाहिए, तो फिर ये सारे टॉपिक होते तो आपके लिए बहुत अच्छा होता कि डिवेंचर्स क्या होते हैं, कितनी तरह के डिवेंचर्स होते हैं, या फिर इक्विटी शेयर्स कितने तरह के होते हैं, प्रेफरेंस कितने तरह से होते हैं। तो देखिए, जो इक्विटी शेयर्स या शेयर्स होते हैं वो ज्यादातर इक्विटी शेयर्स की बात कर रहे हैं, प्रेफरेंस जो होते हैं वो रिडीमेबल हो सकते हैं। इक्विटी के केस में ऐसा नहीं होता, मतलब वो इरिडीमेबल ही होते हैं। मतलब आप प्राइमरी मार्केट में जाके वहां पर आप बिडिंग करके कर सकते हो, और उधर से आप इक्विटी शेयर्स को खरीद सकते हो, ले सकते हो। जब भी कंपनी कोई शेयर्स इशू करते हैं, मतलब जो आईपीओज वगैरह आते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर जो कंपनीज लेकर आते हैं, फिर वहां पर आप उसको ले सकते हो, मगर वापस फिर से कंपनी उसको नहीं लेगी, ठीक है? वो इरिडीमेबल नहीं होते हैं। उनको आप ट्रेड कर सकते हो, मतलब उनका सेकेंडरी मार्केट में जाकर वो जो भी दूसरे इन्वेस्टर्स हैं उधर आप बाय सेल वो सारी चीजें आप कर सकते हो। मतलब वापस कंपनी बाई बैक का ऑप्शन कंपनी के पास होता है कुछ केस में, कुछ शेयर्स के केस में कुछ जगह पर होता है, वो बाई बैक भी ले सकते हैं, मगर आप वापस कंपनी को नहीं दे सकते, वो रिडीम नहीं करा सकते ऐसा, ठीक है? तो वही चीज यहाँ पर दी गई है, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो नॉर्मली नहीं होते, ठीक है? बॉन्ड और डिवेंचर्स के केस में होते हैं, मगर शेयर्स के केस में मुझे नहीं लगता ऐसा होता है, इंडियन मार्केट में तो नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर दिया गया है ऐसे जिनको स्पेसिफिक कोई टाइम पीरियड के लिए इश्यू किया गया है और उसको रिडीम किया जा सकता है, वो ऐसे जो शेयर्स का कैसे वैल्यूएट करते हैं। तो फॉर्मूला लगभग वही सेम है जैसा कि आपका बॉन्ड के केस में था। द अबव फॉर्मूला इज यूज्ड टू प्रेफरेंस शेयर इशूड पर पेचुटी, मतलब जो ऐसे जैसे जो पिछला फॉर्मूला था वो किसके लिए था कि भाई ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जो कि कंपनी के लाइफ टाइम तक चलते रहते हैं, परपेचुटी मतलब जो लाइफ टाइम तक कंपनी के चल रहे हैं। इफ प्रेफरेंस शेयर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम और डिस्काउंट एंड आर रिडीमेबल, यहाँ भी तीनों चीजें वही कंडीशन है कि अगर शेयर्स प्रीमियम पर और डिस्काउंट पर इशू किए जा रहे हैं और रिडीमेबल है आफ्टर द लैप्स ऑफ गिवन पीरियड, देन फॉलोइंग फॉर्मूला इज टू बी यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है? फॉर्मूला भी लगभग वही है, ठीक है? वहां पे इंटरेस्ट था, यहाँ डिविडेंड कर दिया है, बाकी फॉर्मूला सेम वही है, ठीक है? डिविडेंड प्लस 1/n यानी कि नंबर ऑफ इयर्स इनटू एफ माइनस पी फेस वैल्यू माइनस इशू प्राइस डिवाइडेड बाय 1/2 इनटू एफ यानी कि फेस प्राइस फेस वैल्यू प्लस इशू प्राइस, ठीक है? तो फॉर्मूला सेम है। क्वेश्चन देखिए दिया गया है यहाँ पर, ए बी सी एंड कंपनी इश्यूज 2010% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच एट 95 ईच रिडीमेबल, 95 each redeemable at the end of 10th year from the year of issue, calculate cost of preference share capital. तो यहाँ पर देखिए 2000 जो क्वांटिटी है प्रेफरेंस शेयर्स की, डिविडेंड 10% है और वैल्यू जो है एक शेयर की वो 100 रुपीज है फेस वैल्यू, मगर जो उसको इशू किया जा रहा है डिस्काउंट पे 5% डिस्काउंट पे, तो यानी कि जो इशू प्राइस है वो 95 रुपीज है, ठीक है? 95 रुपीज इशू प्राइस है और टोटल नंबर ऑफ इयर्स जो है इयर्स टू मेच्योरिटी वो है 10 इयर्स, ठीक है? इस तरह से फिर वैसे ही यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया गया है उसी फॉर्मूले पे लगाकर, 20,000 प्लस 1/n यानी कि नंबर ऑफ इयर्स 10 इनटू फेस वैल्यू यानी कि आपका 2 लाख रुपए फेस वैल्यू है, 2000 into 100 माइनस 1,90,000 यानी कि 2000 into 95, ओके? क्योंकि डिस्काउंट पे इश्यू किया ना, 5% डिस्काउंट पे इश्यू किया गया है इस वजह से, डिवाइडेड बाय 1/2 into 2 लाख plus 1,90,000, और ये कैलकुलेट करने के बाद जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो आ रहा है, जो रेट है वो है 10.76%।
किसी को डाउट इसमें? सर अगर किसी क्वेश्चन में कॉस्ट हाँ ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल निकालनी होगी तो सर उस क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में टैक्स दिया होगा सर, वो एनुअल डिविडेंड में समान तो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी हो, अगर दिया गया है तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। अभी मैंने बताया था टैक्स यहाँ पर कंसीडर नहीं करते। क्यों? क्योंकि कंपनी ऑलरेडी टैक्स पे कर चुकी है, उसके बाद आपको डिविडेंड दे रही है ना। जो कंपनी है वो टैक्स पे करने के बाद ही डिविडेंड शेयर होल्डर्स को देते हैं। तो आप उसको जो है, आप बिल्कुल टैक्स यहाँ पर नहीं कंसिडर करते। यहाँ पर अगर टैक्स रेट दे दिया ना, तो आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, आपको उसका कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना है। ओके सर। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि बॉन्ड डिवेंचर्स वहां टैक्स कंसीडर करेंगे, बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बाकी जो अल्टरनेटिव्स हैं, बाकी जो सोर्सेस हैं, उधर आपको टैक्स कंसीडर नहीं करना है। ओके अच्छा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, चलिए अभी इसको स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और थोड़ा सा टफ भी है। ठीक है, अगर हम लोग कॉस्ट ऑफ डेट की बात करें या प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें, उससे थोड़ा सा टफ है, क्योंकि इसमें अलग अलग बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बाकी किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लो, वरना फिर एंड कर रहा हूँ मैं मीटिंग। ओके चलिए, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थैंक यू क्लास। थैंक यू।